डियर स्टूडेंट्स, ये क्लास फाइव का मैथ बुक है, चैप्टर 13, और इसमें दिया हुआ है ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री अक्सर बच्चों को काफ़ी हार्ड लगता है और उसको समझ में नहीं आता। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं इस चैप्टर में क्या कुछ दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट में आप देख रहे हैं ये लाइन जो दिया हुआ है, इसको लाइन बोला जाता है। दोनों तरफ जो एक्सटेंड हो, ये पॉइंट दिया हुआ है ए और बी, तो ये दोनों तरफ एक्सटेंड हो। यहाँ पे जो एरो का निशान दिया हुआ है और इधर भी एरो का निशान, इसका मतलब है कि ये दोनों तरफ एक्सटेंड, मतलब आगे बढ़ता, ये बढ़ते रहेगा, इसका कोई लिमिट नहीं है। तो इसको बोला जाता है लाइन। और इसमें जो है एक पॉइंट दिया हुआ है यहाँ पी और क्यू, यहाँ दो पॉइंट दिया हुआ है, तो ये स्टॉप हो गया यहाँ पे, तो इसको बोला जाता है लाइन सेगमेंट। और इसमें एक पॉइंट जो है स्टॉप है और दूसरा पॉइंट चलता रहेगा, इसको बोला जाता है रे। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा चीज़, तो इसको रे बोला जाता है। उसके बाद यहाँ पे एंगल के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले जो है आप दो उंगली खड़ा करके देखें, यहाँ पे एक एंगल बनता है इस तरह से। यहाँ पे लिखा हुआ है इन मैथमेटिक्स इफ टू रेज बी ए एंड बी सी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट द फिगर सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड एन एंगल। दो रेज जब एक ही पॉइंट से शुरू होते हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये और यहाँ से ये स्टार्ट हुआ, इस तरह से जब कोई स्थिति बनती है, दो रेज एक ही पॉइंट से स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ पे एक एंगल बनता है। यहाँ पे दो आर्म्स हो गया और इसको इधर से हम वर्टेक्स बोलते हैं और अंदर से इसको एंगल बोलेंगे, इस तरह से एंगल क्रिएट होता है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एन एंगल, एंगल को मापने के लिए हम लोग इसको उपयोग करते हैं, इसका नाम है प्रोट्रैक्टर, इसको यूज करते हैं। तो हम लोग एंगल के बारे में पता कर लेते हैं कि कौन सा कितना डिग्री का एंगल है, और एंगल को डिग्री में मापा जाता है। टाइप ऑफ एंगल्स दिया हुआ है यहाँ पे, सबसे फर्स्ट में दिया हुआ है एक्यूट एंगल। तो एक्यूट एंगल जो होता है यहाँ पे बताया गया है 90, लेस देन 90 बट मोर देन 0 डिग्री, जो 0 और 90 के बीच में जो एंगल होता है उसको बोला जाता है एक्यूट एंगल। इसके आगे दिया हुआ है और राइट एंगल दिया हुआ है यहाँ पे, जो बिल्कुल सीधा हो इस तरह से, 90 डिग्री का एंगल जो बनता है वही राइट एंगल होता है, बिल्कुल 90 डिग्री, ना कम ना ज़्यादा। तो इस तरह से वो 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल, और उसके बाद ऑब्ट्यूज एंगल हो गया 90 डिग्री से ज़्यादा लेकिन 180 डिग्री से कम, तो वो हो जाता है ऑब्ट्यूज एंगल, उसको ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे 120 डिग्री दिया हुआ है, ये ऑब्ट्यूज एंगल है। इसके बाद दिया हुआ है स्ट्रेट एंगल, बिल्कुल सीधा इस तरह से, यहाँ से ये इतना और यहाँ से ये इतना, बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइन होता है स्ट्रेट एंगल इसको बोला जाता है, इसीलिए स्ट्रेट एंगल बोला जाता है इसको। तो ये 180 डिग्री का होता है, ना कम होता है और ना ही ज़्यादा होता है। इसके अलावा यहाँ पे और दिया हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ और एंगल होता है तो नहीं दिया हुआ है, तभी उसको जानने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स, मतलब जब दो एंगल बिल्कुल इक्वल हो, एक दूसरे के इक्वल हो, तो उसको कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल्स कहा जाता है। जैसे कि ये दोनों एंगल जो है एक दूसरे के इक्वल है। उसके बाद यहाँ पे एंगल्स के बारे में कुछ बताया गया है कि आप एंगल कैसे ड्रॉ करेंगे या फिर कैसे मापेंगे, तो इस तरह से आपको रख के मापना है। यहाँ पे ये आ गया है 70 डिग्री, इस तरह से आपको पता चल जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस तरह से रखा हुआ है, तो ये कैसे मापना है 125 डिग्री। तो मैं मापने के बारे में जब मैं बनाऊंगा तो आप लोग देख ही लेंगे। यहाँ से स्टार्ट हो जा रहा है एक्सरसाइज 68, और इसमें वन नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विच एंगल इज स्मॉलर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मार्क्ड एंगल्स। यहाँ पे जो एंगल्स दिया गया है पेयर में दिया गया है, ए नंबर का 1 2, पेयर मतलब होता है जोड़ा, जोड़ा में दिया गया है, इन दोनों में से कौन छोटा है, तो यहाँ पे छोटा बतलाना है। वैसे बतलाने देखने से ही पता चल जाता है कि आसानी से हम लोग बतला सकते हैं कि 40 डिग्री का जो एंगल है वो छोटा है। तो चलिए इसको हम लोग पेपर पे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ पेपर पे, एक्सरसाइज 68 है, और यहाँ पे आप लोगों को लाइट में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा होगा। झारखंड में इलेक्ट्रिक का काफ़ी प्रॉब्लम चल रहा है, जब तब लाइन आता है और ज़्यादातर कटा ही रहता है, इसलिए लंबे समय से मैं मैथ का वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब बिना लाइन का ही मैं बना रहा हूँ। यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा जा रहा है कि यहाँ पे कौन सा छोटा है, तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ 65 डिग्री है और यहाँ पे 40 डिग्री है, तो ये छोटा है, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू आर एंगल। यहाँ पे दे दीजिए एंगल पी क्यू आर, ये जो है यही आंसर हो जाएगा। फर्स्ट में ए नंबर का जो है आंसर ये हो जाएगा, उसके बाद बी नंबर में यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल है और एक 125 डिग्री का है, जिसमें छोटा कौन हो गया 90 डिग्री, वैसे भी नंबर से भी पता चल रहा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू आर, इसका भी बी नंबर का जो है आंसर हो जाएगा पी क्यू आर, ये हो गया। उसके बाद सी नंबर, यहाँ पे सी नंबर में एक दिया हुआ है पी क्यू आर और 130 डिग्री है, और ये ए बी सी ये 70 डिग्री है, तो यहाँ पे 70 डिग्री छोटा है और हम लोगों को छोटा ही पूछा जा रहा है, स्मॉलर, तो ये छोटा है, तो इसको ए बी सी एंगल ए बी सी लिख देते हैं, एंगल ए बी सी, और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे इसको आंसर लिख देते हैं, ये आंसर है बी नंबर का, और डी नंबर में यहाँ पे कुछ अलग सा पिक्चर दिया हुआ है, तो दोनों एंगल जो है एक ही साथ दिया हुआ है। अब यहाँ पे ए बी डी, एक एंगल ये हो गया, नहीं यहाँ पे जो
साइन लगा हुआ है उसमें दिखा रहा है कि मतलब ये एंगल जो है, एक एंगल ये हो गया, ठीक है, इसमें ए बी सी हो गया और एक एंगल हो गया डी बी सी, तो इन दोनों में से कौन छोटा है, तो छोटा कौन है, ये है डी बी सी, ये एंगल इतना आएगा और ये एंगल इतना ज़्यादा हो रहा है, तो बड़ा हो जाएगा, तो डी बी सी इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंगल डी का हो जाएगा, एंगल डी बी सी, ये आंसर हो जाएगा इसका। और ई नंबर में कौन सा बड़ा है, तो यहाँ पे एक मार्क लगा हुआ है छोटा सा, शायद आप लोग को ना दिखे, तो यहाँ पे एक एंगल हो गया सी बी डी और दूसरा एंगल हो गया ए बी सी, इस तरह से लेते हैं एक बड़ा एंगल, यहाँ पे ये है बड़ा, तो बड़ा हमको नहीं लेना, हमको छोटा लेना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा डी बी सी, डी बी सी, तो यहाँ पे डी बी सी इसका भी आ रहा था डी बी सी छोटा एंगल, और यहाँ पे इसका छोटा यही आ रहा है, तो यहाँ पे ले लेते हैं एंगल डी बी सी, इसका भी वही आ रहा है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। और यहाँ पे दोनों एंगल साथ में है, एक एंगल यहाँ से दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे सी बी डी, सी बी डी एक एंगल ये हो गया और दूसरा एक बड़ा एंगल जो यहाँ से पूरा यहाँ तक दिया हुआ है, यहाँ पे जो साइन लगाया हुआ है इस तरह से, तो उसी के अनुसार हम लोग को इसको रीड करना है, तो सी बी ए या ए बी सी भी बोल सकते हैं, तो ये बड़ा हो गया, ए बी सी जो है बड़ा, तो ये जो है डी बी सी, इसमें भी डी बी सी जो है ये इसका आंसर हो जाएगा, छोटा एंगल वही है, तो एंगल डी बी सी, तो ये आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो एंगल्स दिया हुआ है इसको लिखने के लिए आप दूसरा तरीका यूज़ कर सकते हैं, जैसे बी जो है यहाँ पे मैंने लिखा है डी बी सी, डी बी सी, तो इसको लिख सकते हैं सी बी डी, ये दोनों जो है एक ही होता है, सिर्फ बी जो है हमको बीच में रखना है, बाकी डी इधर हो सकता है, सी इधर हो सकता है, इस तरह से रखने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये आंसर सही है। और जैसे कि आंसर ये भी लिख सकते हैं कि सी बी डी, ऐसा भी, वो भी सही है, दोनों सही है, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है एंगल। उसके बाद टू नंबर में यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हिच एंगल इज ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ मार्क्ड एंगल इज ग्रेटर, यहाँ पे जो एंगल दिखाया गया है, जो मार्क किया गया है, जो साइन करके जो चिन्ह लगा के दिखाया गया है, उसमें से कौन बड़ा है, जैसे कि अभी यहाँ पे छोटा पूछ रहा था कौन सा एंगल छोटा है, अब जस्ट उल्टा हो गया, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन बड़ा है, तो यहाँ पे ए बी सी एक एंगल यहाँ पे इस तरह से चिन्ह लगाया हुआ है, तो यहाँ पे ए बी सी इस एंगल को ले रहा है और दूसरा एंगल जो है यहाँ से ले रहा है डी बी सी, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है, तो सिंपली जो है ए बी सी, ये एंगल जो है यहाँ से यहाँ तक पूरा ये जो है बड़ा है, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए बी सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए बी सी और यही इसका आंसर हो जाएगा। ए बी सी को सी बी ए भी लिख सकते हैं, सी बी ए, तो ए बी सी लिखना ज़्यादा सूटेबल है। तो यहाँ पे एक पूरा इस तरह से हो गया, एक यहाँ पे साइन लगाया गया है यहाँ से लेके यहाँ तक, एक पूरा यहाँ से पी क्यू आर और यहाँ पे एक स्ट्रेट एंगल मतलब राइट एंगल बना हुआ है 90 डिग्री का एस क्यू आर, तो 90 डिग्री वाला छोटा हो जाएगा और ये जो है ऑब्ट्यूज एंगल होगा पी क्यू आर, ये बड़ा होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पी क्यू आर जो है ये बड़ा एंगल है, तो इसके अनुसार जो है ये पी क्यू आर ही इसका आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू में आगे पार्ट दिया हुआ है सी और डी, तो सी और सी में जो है दो पेयर करके दे दिया है, अलग अलग दिया हुआ है, तो यहाँ पे बड़ा कौन है, यहाँ पे बड़ा तो ये है, ऐसे ही पता चल रहा है हम लोग को, ये राइट एंगल है और ये इससे बड़ा ऑब्ट्यूज एंगल है, तो पी क्यू आर इसका आंसर हो गया पी क्यू आर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पी क्यू आर, ये एंगल बड़ा है, इसको आंसर हो गया ये। और यहाँ पे डी में लास्ट पार्ट जो है इसका, तो यहाँ पे एक एंगल दिखाया गया ए बी सी, तो ए बी सी काफ़ी बड़ा है, यही होगा, और यहाँ पे डी बी सी, तो डी बी सी छोटा एंगल यहाँ मार्क किया गया है, तो इसका आंसर हो गया ए बी सी, तो यहाँ पे लिख देते हैं एंगल ए बी सी, यही आंसर होगा, कंप्लीट हो गया।